अयोध्या राम मंदिर 1800 करोड़ प्रोजेक्ट कॉस्ट के साथ वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट एक्सपेंसिव रिलीजियस प्रोजेक्ट बिल्ड बाय 0% प्रॉफिट। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर हाइट के साथ दुनिया की सबसे ऊंची स्टेच्यू। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक 21.8 किलोमीटर लेंथ के साथ भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल। नरेंद्र मोदी स्टेडियम 1,32,000 ऑडियंस सिटिंग कैपेसिटी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी डेवलप्ड विद स्टेट ऑफ द आर्ट फीचर्स जो भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। लोटस टेम्पल दुनिया भर में बहाई धर्म के 7 मंदिरों में से एक जो दुनिया में सबसे अधिक देखे जाने वाली इमारतों में से एक है और इन सबका कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी का नाम है L&T यानी लार्सन एंड टूब्रो। इतना ही नहीं अब चाहे न्यूक्लियर पावर सबमरीन INS अरिहंत हो या चंद्रयान 3 इसमें भी L&T का मेन रोल रहा है और इन्हीं सभी कारणों की वजह से यह भारत की नंबर 1 मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है। साथ ही यह कंपनी इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी हैवी इंडस्ट्री इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिलिट्री एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी फील्ड में भी काम करती है लेकिन बेस्ट कंस्ट्रक्शन ऑसम इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग इस कंपनी का मेन वर्क है जो इसे सबसे ज्यादा पावरफुल बनाती है। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि इस कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट इंडियंस ने नहीं किया। बावजूद इसके ऐसी क्या खास बात है इस कंपनी में जिसपे भारत सरकार आज आंख बंद करके ट्रस्ट करती है और कैसे एक इंडियन हीरो ने इस कंपनी को अंबानी और बिरला के हाथों में जाने से बचाया। तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब और L&T के सक्सेस स्टोरी के बारे में आज के इस एपिसोड में। अपनी कहानी की शुरुआत होती है साल 1934 से जब डेनमार्क की FL स्मिथ नाम की कंपनी ने एक सिविल इंजीनियर सोरेन क्रिश्चियन टूब्रो को भारत में सीमेंट फैक्ट्री के इंस्टॉलेशन के लिए भेजा। इसके कुछ साल बाद 1937 में कंपनी ने एक केमिकल इंजीनियर हेनिंग होल्क लार्सन को भारत भेजा। ये दोनों सीमेंट कंपनी के मर्जर के सिलसिले में भारत आए थे। साथ ही ये दोनों कॉलेज के दिनों से ही अच्छे दोस्त थे लेकिन इसी दौरान 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और डेनमार्क पर नाजी जर्मनी का कब्जा हो गया और इसी वजह से उन्होंने वापस डेनमार्क ना जाने का सोचा और भारत में ही रुकने का फैसला लिया और अपने पास मौजूद थोड़े से पैसे से एक फर्म की शुरुआत की। एक छोटे से कमरे में एक मेज और एक कुर्सी पर यही L&T का पहला ऑफिस था। शुरू में फर्म के पास ज्यादा पैसे नहीं थे इसीलिए एक व्यक्ति दफ्तर में बैठकर हिसाब किताब रखता जबकि दूसरा नया बिजनेस पाने की कोशिश में इधर उधर घूमता रहता और यहीं से L&T की कहानी की शुरुआत हुई। यह समझने के लिए कि वे भारत में क्या योगदान दे सकते हैं सबसे पहले लार्सन एंड टूब्रो ने देश की जरूरतों का पता लगाया। शुरुआत में वो डेनमार्क से इम्पोर्ट किए जाने वाले इक्विपमेंट्स और मशीन को इंडियन डेयरी इंडस्ट्री में क्लाइंट्स के लिए असेंबल और मेंटेनेंस करने का काम किया लेकिन कुछ समय बाद इसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो गई क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण इंटरनेशनल ट्रेड लाइन ब्लॉक कर दी गई जिसके चलते लार्सन एंड टूब्रो को इंडिया में ही डेयरी इक्विपमेंट्स बनाने का तरीका ढूंढना पड़ा। पहले तो काफी दिक्कत हुई लेकिन बाद में यह डिसीजन सक्सेसफुल रहा चूंकि वार का समय था और बंबई के सांता क्रूज में विमानों के उतरने के लिए रनवे के अलावा जहाजों की मरम्मत की भी जरूरत थी इसलिए उन्होंने हिल्डा लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई जिसके तहत जहाजों की मरम्मत का काम एक छोटी सी वर्कशॉप से शुरू किया। इसके अलावा भारत को जीवित रहने के लिए बहुत सारे यूरोपीय सामानों की जरूरत थी इसलिए वे भारत में यूरोपीय सामानों के एजेंट बन गए। वे जानते थे कि भारत को क्या चाहिए और इसे यहाँ कैसे बेचा जाए इस तरह उनका कारोबार फैला। इसी बीच टाटा ग्रुप ने सोडा एस प्लांट का कंस्ट्रक्शन का काम जर्मनी की एक कंपनी को दिया लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के कारण जर्मन कंपनी यह काम नहीं कर सकी और इसीलिए यह काम L&T को मिला। टाटा ग्रुप से मिले इस सुनहरे मौके का फायदा उठाते हुए L&T ने इस काम को बेस्ट क्वालिटी के साथ समय से पहले ही टाटा को हैंडओवर कर दिया जिसके चलते L&T का नाम पूरे भारत में तेजी से फैल गया और कंपनी की तारीफ भी होने लगी और इसी के चलते 1944 में L&T ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनने का रिस्क उठाया क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक रिस्क वाला बिजनेस था जिसमें प्रोजेक्ट की लंबी ड्यूरेशन के कारण प्रॉफिट की लिमिटेड सर्टेनिटी थी। इसलिए लार्सन एंड टूब्रो ने महसूस किया कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस को एक सब्सिडियरी कंपनी द्वारा चलाया जाना चाहिए जिसकी 100% इक्विटी L&T के पास। इस सब्सिडियरी कंपनी का प्रिंसिपल रिस्क उठाना और उसका मैनेजमेंट करना था। हालांकि किसी अनजाने रिजल्ट की स्थिति में वे नहीं चाहते थे कि मेन बिजनेस अफेक्टेड हो लेकिन उनके बेनिफिट के साथ फर्म वास्तव में तेजी से बढ़ने लगी और इस तरह से 1944 में ECC यानी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। आगे चलकर कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया और इसका नाम रखा गया लार्सन एंड टूब्रो प्राइवेट लिमिटेड। इस समय तक L&T ने मशीनरी की रिपेयरिंग और सर्विसेज का काम भी शुरू कर दिया था। 1945 में L&T
एलएनटी ने एचएमटी यानी हिंदुस्तान मशीन टूल के साथ पार्टनरशिप करके मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में भी एंटर हो गई। 1945 में वॉर खत्म होने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि जल्द ही भारत राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो जाएगा और उनकी फर्म को बहुत सारा कारोबार मिलेगा, और इसी वजह से लार्सन टूब्रो, एरिक मोगेंसन और एस रूटिंगर ने ईसीसी को बढ़ावा देने के लिए सबने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, जो आज के समय के लगभग 9,00,000 रुपए के बराबर है। वे चारों एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से ही जानते थे और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी एक साथ की थी। वेस्टर्न रेलवे, बॉम्बे म्युनिसिपल काउंसिल और एसीसी उनके पहले क्लाइंट बने। साल 1947 तक कंपनी हाइड्रोजनेटेड ऑयल, बिस्किट, साबुन और कांच जैसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किए जाने वाले डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग का रिप्रेजेंटेशन करती थी। आजादी के बाद कंपनी ने कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली में अपने ऑफिस की शुरुआत करते हुए कंपनी को एक्सपेंड किया। चूंकि अब एलएनटी की ग्रोथ तेजी से हो रही थी, इसलिए 1948 में एलएनटी ने मुंबई के पवई में 55 एकड़ दलदल और जंगलों से भरी जमीन खरीदी। इस जमीन को खरीदने का मुख्य उद्देश्य कंपनी की बढ़ती कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग जरूरतों के लिए एक बड़ी फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टेबलाइज्ड करना था, और आज पवई की दशा कुछ ऐसी है। 1951 में कंपनी पब्लिक हुई और इसका नाम लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड रखा गया। इसी बीच एक जबरदस्त वाकया हुआ। दरअसल ईसीसी द्वारा बनाया गया पहला पुल 1956 में आई हॉलीवुड फिल्म द ब्रिज ऑन द रिवर कवई था। यह पुल श्रीलंका में किटुलगाला नामक स्थान पर बनाया गया था, जहां फिल्म की शूटिंग हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि लकड़ी के पुल को बनाने में लगभग 8 महीने लगे। हालांकि पुल को बनाने का टोटल बजट 8,00,000 रुपए था, लेकिन इसको बनाने में 16,00,000 रुपए खर्च हो गए। इसलिए प्रोड्यूसर सेम स्पीगल ने एक्स्ट्रा कॉस्ट का पेमेंट करने से इनकार कर दिया, जिसके चलते सोरेन टूब्रो को समझौते के लिए श्रीलंका जाना पड़ा। वहां पहुंचते ही स्पीगल सोरेन टूब्रो पर चिल्लाए और कहा कि आपको मुझसे एक पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। लेकिन टूब्रो ने धीरे से जवाब दिया, फिर आप अपने क्लाइमेक्स के लिए पुल को नहीं उड़ा पाएंगे, और एक कोर्ट का स्टे ऑर्डर उन्हें पकड़ा दिया। डिस्प्यूट सुलझने तक फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से रुकी रही और अंत में हार मानकर सेम स्पीगल ने पूरा पेमेंट कर दिया। और फिल्म के क्लाइमेक्स में डायरेक्टर डेविड लीन की टीम ने इसे उड़ाने में सिर्फ 30 सेकंड का समय लगाया। फिल्म ने ऑस्कर जीता और बाकी तो फिर इतिहास है। इसी बीच 1965 में कंपनी के डेडिकेशन को देखते हुए डॉक्टर होमी जे भाभा, जिन्हें फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है, उन्होंने भारत के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर और क्रिटिकल कंपोनेंट बनाने के लिए एलएनटी को चुना। हालांकि इस काम को करना एलएनटी कंपनी के लिए घाटे का सौदा था, लेकिन उन्होंने देश की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इस काम को एक्सेप्ट कर लिया। 1970 के दशक में एलएनटी को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के साथ काम करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। चेयरमैन विक्रम साराभाई ने एलएनटी को मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के रूप में चुना। इस तरह से कंपनी भारत के न्यूक्लियर और स्पेस प्रोग्राम के साथ जुड़ गई। भारत में लगभग 3 दशक बिताने के बाद सोरेन टूब्रो ने अपने काम की जिम्मेदारियों को त्यागने का फैसला किया और एलएनटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड से रिटायर होकर डेनमार्क वापस चले गए। लेकिन हेनिंग होल्क लार्सन एलएनटी बोर्ड में काम करते रहे और अंत में 1982 में उनका निधन हो गया। 1985 में एलएनटी ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के साथ पार्टनरशिप कर लिया। आज कंपनी डीआरडीओ के लिए रेंज ऑफ द वेपन, मिसाइल सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, इंजीनियरिंग सिस्टम और सबमरीन का मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि एलएनटी के इतिहास में कई कॉर्पोरेट हमले भी हुए। एक टाइम पर अंबानी और बिरला की कंपनी पर नजर थी। हुआ ये कि बिजनेसमैन मनु छाबड़िया ने एलएनटी का 1% शेयर खरीदा। छाबड़िया ने एक के बाद एक कई कंपनियों का शेयर खरीदा और इसीलिए छाबड़िया जैसे लोगों को किनारे करने के लिए एलएनटी धीरू भाई अंबानी के पास गई। सोच यह थी कि रिलायंस और एलएनटी के बीच एक मजबूत रिश्ता हो, जिससे छोटे इन्वेस्टर किनारे हो जाएं। रिलायंस ने ओपन मार्केट से एलएनटी में हिस्सेदारी खरीदना शुरू किया। इस तरह करीब 12.5% हिस्सेदारी खरीद ली। साल 1989 तक यह हिस्सेदारी 18.5% तक पहुँच गयी। खेल तो तब हुआ जब साल 2001 में अंबानियों ने कंपनी में अपनी 10.5% हिस्सेदारी अचानक बिरला ग्रुप की ग्रासिम को बेच दी। ग्रासिम और एलएनटी में रिश्ते पहले ही खराब थे, यह एलएनटी के लिए अच्छी खबर नहीं थी। लेकिन उस समय एलएनटी के सीईओ और एमडी एएम नाइक थे और यही वो हीरो थे जिन्होंने एलएनटी को ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस घराने के हाथों में जाने से बचाया। हुआ ये कि जब वे शिकागो गए थे, तब अचानक एलएनटी सीमेंट के प्रेसिडेंट मोहन करकानी ने नाइक को फोन करके बताया कि अपना मालिक बदल गया है और बिरला ने एलएनटी में आरआईएल की पूरी हिस्सेदारी ऑल कैश डील में खरीद ली है। इसके कुछ समय बाद ही उन्हें अनिल अंबानी का फोन आया। उस समय वे रिलायंस के एमडी थे। उन्होंने कहा, नाइक आप हमें नहीं चाहते थे, इसलिए हम जा रहे हैं। हमने एलएनटी में पूरी हिस्सेदारी बिरला को बेच दी है। इसके बाद नाइक को एक और फोन आया। यह फोन बिरला का था और उन्होंने कहा, नाइक आप हमारे पास नहीं आए थे, इसलिए हम आपके पास आ रहे हैं। बात यही नहीं रुकी। ग्रासिम ने एलएनटी में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए ओपन ऑफर पेश किया, लेकिन अनिल मणि भाई नाइक बिरला ग्रुप की इन कोशिशों के
सामने डटकर खड़े हो गए। उन्होंने L&T एम्प्लाई ट्रस्ट बनाया और अपने सभी कर्मचारियों को बुलाकर कहा, आप सभी हमारी कंपनी के शेयर खरीद लो, साथ ही हमें इतना अच्छा काम करना होगा कि किसी के लिए भी हमारी कंपनी के शेयर खरीद कर इस पर कब्जा करना असंभव हो जाए। हम अच्छा काम करेंगे तो कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और शेयर की कीमत ऊपर बढ़ती जाएगी। आज यह ट्रस्ट L&T में सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। अंबानी और बिरला ग्रुप को शायद यह अंदाजा नहीं था कि नाइक इस तरह से उनसे भिड़ जाएंगे। मामला सेबी के पास पहुंचा। सेबी ने कहा कि फिलहाल बिरला ग्रुप ओपन ऑफर पर कदम ना बढ़ाए। उधर नाइक और L&T एम्प्लाई ट्रस्ट ने कंपनी को बचाने में जान लगा दी। अंत में बिरला को साल 2003 में L&T में अपनी पूरी हिस्सेदारी इसके एम्प्लाई ट्रस्ट को बेचना पड़ा। हालांकि इसके बदले में बिरला को L&T का सीमेंट डिवीजन मिला, जिसका नाम बदलकर अल्ट्राटेक सीमेंट रखा गया। इस तरह L&T को टेक ओवर करने की कोशिश हुई, लेकिन L&T ने सभी मुश्किलों का सामना करते हुए अपने बिजनेस को अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफाई किया और आज L&T के पास 118 सब्सिडरीज कंपनी मौजूद है, जिसका टोटल रेवेन्यू 2,21,113 करोड़ है। साथ ही ये कंपनी 50 से अधिक देशों में भी काम करती है और लाखों लोगों को रोजगार देती है, जिसके कुल बिजनेस का रेवेन्यू 4 भागों में बटा हुआ है, जिसमें से 46% इंफ्रास्ट्रक्चर, 32% IT सेक्टर्स, 14% एनर्जी और 8% अदर सेक्टर से आता है। दिलचस्प बात यह है कि L&T में 0 प्रोमोटर होल्डिंग है। इसका मैनेजमेंट हाईली एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स द्वारा किया जाता है। लार्सन एंड टुब्रो का विकास कई लोगों के लिए प्रेरणा है। एक कठिन शुरुआत के बावजूद कंपनी और इसके फाउंडर्स ने भारत में अलग अलग इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। वे हमारे देश के आगे के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन देना जारी रखेंगे। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको लाइक करने के लिए जरूर इम्प्रेस किया होगा। इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।